पानी पीने की टंकियां भी मैं देख रहा था वहाँ पे टूटी हुई थी, वो कब से ऐसी है। 75वां हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का इस प्रकार की आजादी जहाँ पर मीडिया वालों को ये प्रतिबंधित किया जाता हो कि आप लोग हमारे स्कूल के अंदर जाकर के दिखा नहीं सकते, और जबकि वही स्कूल हमारे और आपके मतलब देश की जनता के टैक्स के पैसे से यहाँ पर बनता है। कोई भी सरकारी बिल्डिंग बनती है वो हमारे और आपके दिए हुए पैसों से बनती है, टैक्स के पैसों से बनती है। जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज 24 चैनल, और मैं इस समय मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूल के सामने, मुंडका के सामने। देखो अगर यहां पर आप देखोगे तो ये गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय, गवर्नमेंट बॉयज, और इसमें मतलब जो है लड़कियां और लड़के मतलब दोनों यहां पर जो है पढ़ते हैं, और ये दिल्ली का सरकारी स्कूल है मुंडका के अंदर। इस समय देखो बच्चे यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, हालांकि इस समय बता रहे हैं कि एंट्री का ये टाइम नहीं है। और देखो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ये स्कूल की बिल्डिंग है, बिल्डिंग बहुत साफ़ सुथरी है और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है। ये बिल्डिंग का जो है फ्रंट का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, और स्कूल के विषय में जानने के लिए, हालांकि अभी हम स्कूल के अंदर गए थे, वहाँ पे हमें वाइस प्रिंसिपल जी भी मिले और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े जेन्युइन तरीके से हमसे बात भी करी। ऑन कैमरा बात करने के लिए मना किया, हालांकि बहुत सारी चीज़ें कैमरे के सामने नहीं बताई, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत कुछ बताया। कि पहला तो ये कि भाई स्कूल के अंदर जो है हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बच्चों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण स्कूल में प्रेशर रहता है, एक दबाव रहता है, ताकि बच्चों को हम किस तरह से जो है और बेहतर शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि जितनी लिमिट होती है उससे कहीं लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर बच्चे होते हैं, टीचर्स उतने ही हैं, बच्चे उतने होते हैं। हालांकि ये भी बताया कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोगों का अच्छा हुआ है, और एजुकेशन का जो स्केल है, जो ग्राफ है, वो अच्छा हुआ है, इसी करके वहाँ पे अंदर 100% रिजल्ट तक लिखा हुआ था। दूसरी चीज़, यहाँ पर दो शिफ्टें मुझे ऐसा महसूस होता है कि दो शिफ्टों में बच्चे आते हैं, सुबह जो है लड़कियाँ रहती होंगी और दिन में इस समय लड़के बॉयज़ आते हैं। देखो इस समय दोपहर का टाइम है, तो ये दोपहर की जो शिफ्ट हुई है इस समय ये बच्चे यहाँ पर अंदर जो है एंट्री ले रहे हैं, और इस बच्चे की ड्रेस देखो यहाँ पर सफ़ेद है, और बाकी तमाम बच्चों की ड्रेस यहाँ पर इस समय ब्लू कलर की और सियान ब्लू कलर की है। अच्छा, कुछ बच्चों की और भी वाइट कलर की ड्रेस है। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? अमन नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th H में। 9th में ये ड्रेस अलग अलग क्यों है? उनकी हाइट है, आपकी ब्लू है? बड़ी क्लास है, हम छोटी क्लास हैं। अच्छा, ये बड़ी क्लास के, कौन सी क्लास के बच्चे? 11th क्लास के बच्चे हैं। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है अंदर? अब पढ़ाई तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छी होती है? पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छा, पानी पीने की टंकियाँ भी मैं देख रहा था वहाँ पे टूटी हुई थी, वो कब से ऐसी है? सर जी वो तो बहुत दिन से। कितने टाइम से ऐसी है सर जी? हम तो पानी वहाँ से भरते नहीं है। क्यों? वहाँ से क्यों नहीं भरते? घर से लेकर आते पानी। वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी? नो। वहाँ से क्यों नहीं भरते हो फिर? हाँ, कभी कभी भर लेते हैं, तो वैसे भरते नहीं वहाँ से। अच्छा, ये जो तिरंगे का जो वहाँ पे लगाया है इंडियन फ्लैग का पोल, वो कब से लगा हुआ है? वो बहुत दिन से लगा हुआ है। कितने दिन से? हो गया 1 महीना हो गया। तो महीने भर से उसके अंदर अभी झंडा नहीं लगाया? पता नहीं क्यों नहीं लगाया झंडा, अभी नहीं लगा हुआ ना उसमें? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, लगा। टीचर्स टाइम पे आते हैं नहीं आते हैं? टीचर्स पूरे टाइम पे आते हैं हमारे टाइम पे आते हैं, एनी टाइम। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो आप लोगों को लगता हो सरकारी स्कूल में इस समय और कुछ होना चाहिए आप लोगों के लिए जो नहीं है? सर अभी तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जब ये समर कैंप चल रहा है तो हिंदी अच्छे से पढ़ाई जा रही है, और इसको नहीं आता जोड़गटा उसको भी सिखाया जा रहा है, उसको भी सिखाया जा रहा है। ठीक है, तमाम बच्चे आप ही के स्कूल के हैं सब? यस सर। सारे के सारे? ठीक है। इधर आ बेटा, क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। ये मुंह में क्या खा रहे हो? चीज बोलो, मुंह गुटखा तो नहीं खा रहे? तो ठीक है। अच्छा, कौन से 6th क्लास में हो? नहीं, 8th में। 8th में। पढ़ाई कैसी होती है स्कूल में? सही होती है, अच्छी होती है। टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं पढ़ाते? अच्छे से पढ़ाते हैं। अभी मिशन मुनियार चल रहा है। मिशन मुनियार चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, ये आपके स्कूल के गेट के ऊपर लिखा है जो बिजनेस ब्लास्टर, इसके बारे में क्या जानते हो? पता नहीं। इधर आओ, इधर आओ। ये जो लिखा है बिजनेस ब्लास्टर, इसके बारे में क्या जानते हो? पता नहीं। नहीं पता। इसके बारे में क्या जानते हो, क्या लिखा है ये? मिड डे मील सिम। ठीक है, और ये क्या लिखा है बेटा? कहलो इंडिया। कहलो इंडिया। कहलो इंडिया। ठीक है, ये क्या लिखा बेटा? इधर आओ। द इंटर इंटर नहीं पढ़ रहा। अच्छा, कौन सी क्लास में बताया आपने? 8th में। देखो ये 8th क्लास का बच्चा है और सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जितना इसे पता था उतना इसने बताया कि स्कूल में अच्छे हैं, टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं और तमाम चीज़ें। अच्छा ऐसी, लेकिन बच्चा देखो इस चीज़ को अभी
पढ़ नहीं पा रहा है, इसको भी नहीं पढ़ पा रहा है ढंग से, इसको भी नहीं पढ़ पा रहा है, और अभी बच्चे को इसके विषय में भी पूरी नॉलेज मतलब नहीं है। अच्छा ये बताओ बेटा, स्कूल में और ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो अभी नहीं है, आपको लगता है कि जो चीज़ होनी चाहिए? सब कुछ है। सब कुछ अच्छा है, चलो ठीक है बेटा। और ये हालात है स्कूल के फ्रंट गेट की जो मैं आपको दिखाई है आपको, कि बच्चों ने इसके विषय में अभी इन लोगों को नहीं पढ़ने में आ पा रहा। हालांकि एक दो बच्चों से हम और कोशिश करेंगे कि ये जानने की कि सबको। इधर बेटा, क्या नाम है आपका? रिचेस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? टेंथ। अच्छा टेंथ में पढ़ते हो, इधर आओ बेटा इधर आओ। ये पढ़ के बताओ क्या लिखा है? RET। क्या लिखा है ये? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और इसके बारे में बताओ बेटा क्या है, क्या लिखा है ये? बिजनेस है। हाँ? बिजनेस क्या मतलब है इसका? सर मतलब अपना व्यापार किसी चीज में। क्या क्या स्कीम क्या है, पता है इसके बारे में क्या है ये स्कीम? नो सर, अभी तो पता नहीं, क्लास का लेट हो रहा है। वैसे पता है इसके बारे में? नहीं पता सर, पता तो है थोड़ा थोड़ा। क्या पता है? सर ये बिजनेस है, जैसे कि अपना व्यापार खुद खोले तो वो अपना कारोबार मतलब संभाले, अपना बिजनेस खुद करे और वो अपना मतलब बिजनेस करके पैसे कमाए, घर बार चलाए, इसलिए बिजनेस अपना है। ठीक है, क्या नाम बताया था आपने? रिजेश। ठीक है, देखो यहाँ के तमाम बच्चों से हमने दो तीन बच्चों से बात करी, वो 8th क्लास में थे तो उनको ये पढ़ना नहीं आ रहा था, ये 10th क्लास में हैं तो इनको इसके विषय में भी पता था और वो उन्होंने पढ़ भी लिया। हालांकि स्कूल के फ्रंट की जो है हमने आपको हकीकत की तस्वीर दिखाई है, और एक दो बच्चे यहाँ पर भी हैं मौजूद, इनसे भी एक बार बात करें तो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लास के स्कूल के जो है बड़े बच्चे रहे होंगे, 11वीं या 12वीं के हो सकता है ये बच्चे हों, एक बार बात करते हैं इनसे। क्या नाम है बेटा आपका? इधर आ बेटा इधर। अरे भाग गया, बताओ, ये सरकारी स्कूल का बच्चा और ये डर के भाग रहा है, आ जाओ। अच्छा एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, देखो जिस स्कूल के कंधे के ऊपर जो है ये एक जिम्मेवारी होती है कि वो बच्चों का भविष्य बनाएगा, जिस स्कूल के कंधे के ऊपर ये जिम्मेवारी होती है कि वो बच्चों के सुधार करेगा भविष्य का, लेकिन जिसके सरकारी स्कूल का खुद का गेट का भविष्य यहाँ पर डूब चुका हो, देखो यहाँ पर जिसके खुद के सरकारी स्कूल का यहाँ पर गेट टूट चुका हो, खुद के सरकारी स्कूल का यहाँ पर आधे से ज़्यादा भविष्य डूब गया हो, हालांकि मैं ये उसके ऊपर आरोप ये नहीं लगा रहा कि वो भविष्य नहीं बना रहा, क्योंकि भविष्य बन रहा है, जब भी तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन इस चीज़ के अंदर भी सुधार होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब बड़ी जब स्कूल के जिस चीज़ के ऊपर स्कूल का नाम लिखा है, जिस स्कूल के ऊपर जिस बोर्ड के ऊपर स्कूल का एड्रेस लिखा है, यदि वही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा तो लाजमी बात है कि वो बहुत बुरा लगता है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष खर्चा नहीं आता, इस चीज़ को भी इन चीज़ों को सुधार करवाना चाहिए था। अच्छा एक हकीकत की दृष्टि में आपको और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर नज़दीक में ही ये दूसरा दरवाज़ा देखो स्कूल का, ये स्कूल का जो एक दरवाज़ा मैंने आपको पीछे दिखाया, एक दरवाज़ा ये दूसरा दरवाज़ा है स्कूल का, और ये देखो ये लड़कियों का मुझे लगता है जो है दरवाज़ा होगा और वो बॉयज़ का रहा होगा। आ जाओ मैडम आगे, जल्दी आओ, और दिखाना है क्योंकि आगे ना। और ये सरकारी स्कूल की स्थिति है, ठीक है, और इसके साथ में ही अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये MCD का स्कूल है, नगर निगम का, ये MCD का स्कूल है, नगर निगम का स्कूल है, इसकी बिल्डिंग भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो इसमें आज भी यहाँ पर ये टीन टप्पर लगे हुए हैं, MCD का ये स्कूल है, ये टीन टप्पर लगे, और ये देखो इसके बाहर की हालात, और देखो दोनों की हालात में फ़र्क देखो, वो सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर कितनी साफ सफाई है, ये MCD का स्कूल है तो यहाँ पर देखो कितनी गंदगी है, ये देखो ये हकीकत है, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है बिल्कुल, ये सच्चाई है और हकीकत है। और हालांकि स्कूल के अंदर जाने की अनुमति हमें पता है यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, और किस प्रकार से स्कूल के अंदर की जो हालात है वो मैं आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा यहाँ पर। ये देखो हालात देखो, बेंच कितने गंदे हैं और अंदर पूरी गंदगी है, साफ सफाई है ही नहीं, पूरी गंदगी है, और सामने शीशे टूट चुके हैं, सामने अगर देखोगे तो शीशे टूट चुके हैं और यहाँ पर बेंच गंदे पड़े हैं टोटल, और पूरी गंदगी अंदर। आ जाओ मैडम और आगे आ जाओ, और ये देखो यहाँ पर ये हालात है, ये MCD स्कूल की दीवार है, आ जाओ, ये MCD स्कूल की दीवार है, दोनों में कितना फर्क है, सरकारी स्कूल की दीवार के नीचे हमारे को इतनी गंदगी नहीं मिली जो कि MCD स्कूल की दीवार के नीचे यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर देखो
और ये बच्चों का भविष्य बनाने की इनके ऊपर कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है कि हम लोग बच्चों का भविष्य बनाएंगे। और ये देखो यहाँ पर बकायदा लिखा है कि एक कदम स्वच्छता की ओर, ये देख लो स्वच्छता, ये देख लो स्वच्छता, ये एक कदम स्वच्छता की ओर है। और यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। आज़ादी का किस प्रकार की आज़ादी, जहाँ पर मीडिया वालों को ये प्रतिबंधित किया जाता हो कि आप लोग हमारे स्कूल के अंदर जा कर के दिखा नहीं सकते, और जबकि वही स्कूल हमारे और आपके मतलब देश की जनता के टैक्स के पैसे से यहाँ पर बनता है। कोई भी सरकारी बिल्डिंग बनती है वो हमारे और आपके दिए हुए पैसों से बनती है, टैक्स के पैसों से बनती है। और हम मीडिया वालों को प्रतिबंधित किया जाता है कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते, कैमरा से मतलब वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, सच दिखाएँ कैसे बाहर से। और बाहर का जो सच है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये MCD का स्कूल है जिसका खुद का रंग पूरा उतर चुका हो बोर्ड का। ये दूसरा गेट है, इसका खुद का पूरा रंग उतर चुका है गेट का। अब खुद जान लो कि इसके खुद की भविष्य क्या होता होगा, ये किस प्रकार से जो है बच्चों को यहाँ पर संभालते होंगे। हालांकि इस समय बंद है दरवाज़ा और अंदर की हालात मैं आपको दिखा पाता उससे पहले यहाँ पर यह दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन अगर खुला भी होता तो पक्की बात है कि स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि पता लग जाता है ये मीडिया वाले। और ये देखो ये बाहर की हालात है, ये देखो इनके अंदर खिड़कियों के अंदर खिड़कियाँ ही नहीं है, शीशे ही नहीं लगे हुए, यहाँ शीशे उतर चुके हैं टोटल। और मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वीडियो लंबी जाएगी, एक बार वीडियो को देखते रहना और एक बार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज मैं वो हकीकत आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि एक सरकारी स्कूल और उसके बगल में ही प्राइवेट जो है दिल्ली नगर निगम का MCD का स्कूल, उसकी हालात सच हालात में आपको इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ताकि वो चीज़ सामने दर्शकों तक पहुँच सके कि हकीकत क्या है। अगर ये भी दीवार देखोगे तो ये MCD के ही नगर निगम की सरकारी स्कूल जो है MCD के स्कूल की जो है ये दीवार है। और यहाँ के भी हालात मैं आपको दिखाना चाहूँगा अंदर की, ये देखो MCD के स्कूल के अंदर वहाँ पर कुत्ते सो रहे हैं, वो देखो वो सामने कुत्ते सो रहे हैं, वो देखो कैमरे के माध्यम से देखो, और माइक से बोलते ही वो जाग गया, माइक के बोलते ही वो कुत्ता भी जाग गया। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये देखो सामने इनके सब के शीशे टूट चुके हैं सामने की बिल्डिंग में। अगर यहाँ से देखोगे, यहाँ से दिखाओ, यहाँ से मैडम, यहाँ से देखो सबके शीशे टूट चुके हैं, यहाँ पर किसी में भी शीशे नहीं है। और अंदर देखोगे तो शराब की बोतल है, वो देखो है ना, ये शराब की बोतल है। थोड़ा और आगे चलेंगे, और मैं आपको बता दूं ये मुंडका के अंदर MCD का स्कूल दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इससे पहले अभी दिल्ली सरकार का सरकारी स्कूल दिखा रहा था, वहाँ पर साफ सफाई क्या थी और MCD के स्कूल में साफ सफाई क्या है वो दिखा रहा हूँ। अगर पूरी बिल्डिंग दिखा दो यहाँ पर, ये देखो ये वो MCD का सरकारी स्कूल है, नगर निगम का वो सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चों का भविष्य तैयार किया जाता है। लेकिन जब खुद का भविष्य डूब गया हो तो वो क्या भविष्य तैयार करेगा। ये देखो यहाँ पर पूरी रेलिंग टूट चुकी है, खुद भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ गया उस स्कूल। ये देखो वहाँ पर पूरी झाड़ियाँ अंदर यहाँ पर रखी हुई हैं काट पीट के, न जाने कितने वर्षों से पीछे सफाई नहीं हुई होगी। मैडम इधर से दिखाते हैं ऐसे में, ऐसे ये देखो पूरी झाड़ियाँ यहाँ पर तोड़ के फेंक रखी हैं और न जाने बरसों से सफाई। और यहाँ पर भी ये देखो शीशे ही नहीं है बिल्डिंग, यहाँ पर सामने यहाँ पर शीशे नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मैडम, इधर से और आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ और हकीकत भी दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। वीडियो लंबी जाएगी मुझे पता है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए और आपको सच और हकीकत दिखाने के लिए वीडियो लंबी हो जाती है। और उस चीज़ को लेकर के आपसे भी उम्मीद करूंगा कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, आप लोगों को सच दिखा रहे हैं, तो आप भी एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और अपने विचार जरूर देंगे। देखो ये है MCD के सरकारी स्कूल की हालात, ये देख लो एक बार नज़र डाल लो, ये हालात है। पूरी बिल्डिंग के शीशे टूटे हुए हैं, अंदर झाड़ियाँ तोड़ के डाल रखी हैं और दीवार के बाहर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो चुका है, रेलिंग टूट चुकी है। लेकिन नेताजी लोगों ने अपना प्रचार भी सरकारी स्कूल के दीवार पर कर दिया है। अब ये देखो ये है वो बिल्डिंग जो सरकारी स्कूल में गए थे अभी हम, कौन सा सरकारी स्कूल, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का दिल्ली सरकार का सरकारी स्कूल। आगे की बिल्डिंग की खूबसूरती को देख करके पीछे की बिल्डिंग की बदसूरती भी एक बार आप देख लीजिए, कितनी बदसूरत ये बिल्डिंग लग रही है पीछे से। आगे से हालांकि ये बहुत अच्छी लग रही थी, आगे से सुंदर भी थी और आगे से भ्रष्टाचार भी नहीं था, आगे से गंद भी नहीं था, लेकिन पीछे से देख लो तो पूरा गंद है यहाँ पर। ये देखो ये स्कूल के बिल्डिंग के पीछे की हालात दिखा रहा हूँ आपको, ये है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के स्कूल, ये है हालात।
ये रेलिंग टूट चुकी है यहाँ की, इसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं जाएगा और ना ही किसी का ये ध्यान जाएगा कि स्कूल के पीछे की बिल्डिंग की हालात है। देखो रंग रोगन, अगर जूम करके दिखाओ यहाँ पे, रंग रोगन पूरा पेंट उतर चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देगा क्योंकि एडमिशन फ्रंट देख के होता है, बैक देख के नहीं। थोड़ा सा अगर नज़र हम बैक में दिखा देंगे और अगर अंदर जाते हैं तो शायद कुछ और भी हकीकत हम दिखा पाते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके ऊपर प्रतिबंधित क्षेत्र है, मीडिया नहीं जा सकता है, तो लेकिन सच कौन दिखाएगा फिर। अब ये है सरकारी स्कूल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल के बैक साइड का एरिया, जहाँ पर ये देखो ये भ्रष्टाचार पूरे में गंद फैल चुका है यहाँ पर, और ना जाने इतना गंद यहाँ पर इस समय फैला हुआ है, पता नहीं कितने महीनों से यहाँ पर सफाई नहीं होगी, कुत्ते भी यहाँ पर घूम रहे हैं। ये देखो देखो डर के मारे ये भागने लग गया है, लेकिन नेताजी लोगों को इतना डर नहीं है कि हम इस कूड़े को भी भगा दें यहाँ पर, लेकिन कूड़ा यहाँ पर ढंग से फैला हुआ है और यहीं से बच्चे बाहर निकलते हैं, और ये स्कूल का प्लेग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा और दिल्ली सरकार के जो है सरकारी स्कूलों को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, MCD के स्कूलों को लेकर के आपके अपनी क्या राय है, और जो हमने प्रयास किया है यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दोनों स्कूलों की हालात आपको दिखाई है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद।